hello students welcome to online english classes today we are going to read lesson number 8 from english reader textbook deepa karmakar the proud of india so do you know who was deepa karmakar okay let me introduce you with deepa karmakar deepa karmakar is an indian gymnast

फ़र्स्ट टाइम वो लाइमलाइट में मतलब कि उन्होंने अपनी अटेंशन जो है वो कब ली मतलब कि वो लोगों की नज़रों में कब आई जब उन्होंने एक मेडल जीता टू थाउजेंड की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और तब से उनको जाना जाता है वो फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट बन गई हैं गेम्स की हिस्ट्री में उनका नाम चलता है उनको जाना जाता है अंडरस्टूड ओके सो लेटेस्ट कंटिन्यू द रीडिंग टू नो मोर अबाउट दीपा करमाकर ओके सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम फिजिकल चैलेंज प्लेयर्स ओके ये कुछ पिक्चर्स हैं प्लेयर्स की यू हैव टू आइडेंटिफाई दैम एंड राइट द राइट देअर नेम बिलो ओके सो डू दिस योर सेल्फ लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ दीपा करमाकर इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट टू बी टेक लाइटली ये कोई ऐसी सक्सेस नहीं थी जिसको हम बहुत ज़्यादा लाइटली ले सकते थे शी केम अगेंस्ट ऑल अ ऑर्ड्स एंड टेस्टेड द सक्सेस विच वॉज मच स्वीटर मतलब कि इस सक्सेस तक पहुँचने के लिए इस लेवल तक पहुँचने के लिए उसे बहुत सारी मुश्किलों का बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लाइफ में फेस करना पड़ा था सेड हर कोच बिसेवर बिसेश्वर नंदी मतलब कि जो दीपा कर्माकर के जो कोच थे उन्होंने बिसेश्वर नंदी ने बताया कि उनको बहुत सारी और जो टेस्टेड मतलब इन चीज़ों को लाइफ में फेस करना पड़ा था इस लेवल तक पहुंचने के लिए शी वॉज नर्वस वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी एज वेल एज इक्वली कॉन्फिडेंट बट अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के वो इक्वली कॉन्फिडेंट भी बहुत थी एंड दैट कॉन्फिडेंस केम फ्रॉम हिस्ट्री और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया पुराने इतिहास से पुरानी हिस्ट्री से इन द टू थाउजेंड फोर्टीन एशियन गेम्स वेयर शी फिनिश्ड फोर्थ द ओनली वन अहेड वर ओलंपिक मेडलिस्ट शी एडिड टू हर स्टेटमेंट तो कॉन्फिडेंस आया उनमें और 2014 की जो एशियन गेम्स हुई थी वहाँ पे उन्होंने अपना फोर्थ लेवल फिनिश किया द ओनली वंस अहेड हैड वर ओलंपिक मेडलिस्ट और जो नेक्स्ट था वो क्या था ओलंपिक मेडलिस्ट ही एडीड टू हर स्टेटमेंट वो बात करते हुए कहते हैं दीपा कर्माकर एन आर्टिस्ट आर्टिस्टिक जिमनास्ट वो बोर्न ऑन नाइन अगस्त नाइन्टीन इन अगरतला इन त्रिपुरा इनका जन्म कहाँ हुआ था वर्शि वशि बॉन ये पैदा हुई थी 9 अगस्त को 1993 में त्रिपुरा के अगरतला में शी वॉन्टेड मेडल एट एनी कॉस्ट इन ओलंपिक्स वो ओलंपिक्स में मेडल चाहती थी किसी भी थी कोस्ट में इट वॉज नॉट एन ईजी रोड और ये काम ईजी नहीं था इनिशियली स्टार्टिंग में शी डिड नॉट हैव द इक्विपमेंट उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे शी प्रैक्टिसाइज्ड she practiced on discarded second hand equipments unke paas jo matlab ki purane second hand equipments se jo ki discard kar diye jate hain matlab ki throw kar diye jate hain she unhone uske upar practice ki she owed a lot of her first coach nandi who continued to guide her nandi जो कि उनके coach थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा guide किया दीपाज फादर दीपा के जो फादर थे अ वेट लिफ्टिंग कोच वो क्या थे वेट लिफ्टिंग कोच थे हैड रिकॉग्नाइज्ड हर इन्नी टैलेंट अर्ली एंड अनकरेज हर टू बिकम अ जिम्नास्ट उनके पापा जो थे वो एक वेट लिफ्टिंग कोच थी उन्होंने अपनी बेटी को हेल्प की उसका अंदर का इन होता है इन बोर्न मतलब कि जो नेचुरल टैलेंट होता है जो कि दीपा के अंदर ऑलरेडी था तो उसको जानने में उनकी हेल्प करी उन्हें बताया उससे उसको आइडेंटिफाइड कराया और उनको अनकरीच किया कि येस यू कैन डू तुम कर सकती हो और उनको हेल्प की दीपा को हेल्प की कि वो एक अच्छी जिमनास्ट बन पाए ही एनरोल्ड हर एट द विवेकानंदा उन्होंने खुद का नाम मतलब कि उन्होंने खुद को एनरोल्ड किया कहाँ पर विवेकानंद के पास में बाय अ मैगर अगरतलाज ओल्डेस्ट जिमनाजियम जो कि एक बहुत ही पुराना जिमनाजियम था ठीक है अगरतला के अंदर वहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखवाया जहाँ पे वो कोचिंग वगैरह प्रैक्टिस करती थी वेयर शी स्टार्टेड हर कोचिंग एट द एज ऑफ सिक्स मतलब कि वहाँ पे उन्होंने सिक्स ईयर की उनकी एज थी जब वहाँ पे उन्होंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की